रिसेंट में जितने भी एप्लीकेशन ओपन है आपको उनको रिसेंट से क्लियर कर देना है, क्योंकि आप यहां पे ये दो फोन देख सकते हो, ठीक है। ये जो सेटिंग है आपको सभी फोनों में मिल जाएगा, आपको सिंपली सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा वर्जन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मिलेगा बिल्ड नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आपको 7 times टैप करना है, इस तरह आपको यहां पे 7 times टैप करना है, आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रियलमी के फोन में हमने डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम रेडमी के फोन में डेवलपर ऑप्शन को ओपन करते हैं। सिंपली सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। यहां पर आपको मिलेगा MIUI वर्जन, आपको इस पर 7 times टैप करना है। तो यहां पर हमारे फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। सिंपली यहां पर बैक आना है। बैक आने के बाद जाना है आपको एडिशनल सेटिंग में, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में जाना है, आपको यहां पे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आपको इसको ओपन करना है। अब आपको यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आपको यहां पे नीचे आना है, आपको किसी भी सेटिंग से छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आना है। दोस्तों अब आपको यहां पर 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन जूम, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ठीक है। आपको इन तीनों सेटिंग्स को चेंज करने हैं, ठीक है। अब हम रेडमी में जाते हैं, यहां पे एडिशनल सेटिंग को ओपन करते हैं। डेवलपर ऑप्शन को ओपन करते हैं। अब आपको यहां पे नीचे आना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो इस फोन में भी विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ठीक है। आपको इन तीनों को चेंज करना है। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो दोस्तों, आपको उस फोन में ये सेटिंग मिल जाएगा, आपको इसको चेंज करना है। आपको विंडो एनिमेशन स्केल पे क्लिक करना है, इसको 0.5x पे टिक कर देना है, ठीक है। इस तरह आपको इन तीनों को चेंज कर देना है, तीनों को आपको 0.5x पे टिक कर देना है। सिर्फ आपको यह सेटिंग करना है। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप यह सेटिंग कर लोगे, ठीक है, तो आपके फोन का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो 75% फिक्स हो जाएगा। आपको 0.5x पे इन तीनों सेटिंग को सेट कर देना है, ठीक है। तो यहां पे हमने 0.5x पे इन दोनों फोनों में इस सेटिंग को सेट कर दिया, ठीक है। अब हम बैक आते हैं। आप देख सकते हो हमारा जो फोन है काफी फास्ट काम कर रहा है, आप यहां पे देख सकते हो काफी फास्ट काम कर रहा है। इस तरह गाइस आपको अपने फोन में इस सेटिंग को कर लेना है, ओके। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके फोन का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।